नमस्ते, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज मैं करने जा रही हूँ इस शर्ट के कपड़े का इस्तेमाल, और बहुत ही प्यारा यूज है इसका, बहुत ही प्यारा आइटम बनेगा। तो वीडियो पर बने रहें, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक शर्ट का कपड़ा लिया है जो मेन फैब्रिक है, इसके साथ में मैंने लाइनिंग का कपड़ा लिया है। और लाइनिंग के कपड़े में आप कोई पुराना कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में ही मैंने ली है एक रबर शीट का इस्तेमाल कर सकते हो आप, फोम शीट का इस्तेमाल कर सकते हो, या राइस बैग का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए, मेन फैब्रिक, फिर जो रबर शीट ली है वो, और फिर अस्तर, तो तीनों की सिलाई लगाकर अच्छे से इसकी क्विल्टिंग कर देंगे। और मैं हमेशा जो मेन फैब्रिक है वो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेती हूँ, ताकि इसके चारों ओर फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दें, जिससे कि धागे वगैरह भी नहीं निकलेगी और फिनिशिंग भी बने रहेंगे। तो अब मैं बताती हूँ इसका मेजरमेंट। तो देखिए, इसकी लंबाई है 28 इंच और इसकी चौड़ाई है 15.5 इंच। तो 15.5 बाई 28 इंच का मैंने ये पीस लिया है, एक तैयार किया है मतलब। तो इसके चारों ओर देखिए अच्छे से कपड़े को, जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था मेन फैब्रिक, उसको फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। तो एकदम फिनिशिंग है, कहीं पर भी धागे वगैरह भी नहीं निकल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, एक तरफ से हम लगभग 2.5 से 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे। आप चाहो तो 2.5 इंच पर लगा सकते हो, 3 इंच पर लगा सकते हो। और इसी निशान के ऊपर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए, तो इसका सेंटर कहाँ आ रहा है, वो सेंटर पर भी हम एक निशान लगा देंगे। देखिए बीच में, तो देखिए बीच में सेंटर पर भी हमें निशान लगा दिया है। अब देखिए, और यहाँ पर मैंने एक कपड़ा लिया है जो हम अंदर की तरफ पॉकेट लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए, मैंने 8 बाई 9 इंच का एक कपड़ा लिया है, उसके चारों तरफ मैंने फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी है। आप यहाँ पर डबल कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए, इस कपड़े के चारों ओर मैंने थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करते हुए पहले ही सिलाई लगा दी है। अब देखिए, पॉकेट बनाना है तो इसके तीनों ओर सिलाई लगा देंगे और ऊपर की तरफ खुला रखेंगे, तो ये हमारा अंदर की तरफ का पॉकेट हो जाएगा। अब हमें बनाना है एक बाहर की तरफ पॉकेट। देखिए, तो यहाँ पर वापस से हम इस प्रकार फोल्ड करेंगे, और यहाँ पर बस देखिए, इसमें से थोड़ा सा ही कपड़ा बचा हुआ है मेरे पास। तो देखिए, ये यहाँ पर इसकी इस प्रकार कटिंग कर देंगे कपड़ा का, क्योंकि ये लंबा ज़्यादा है, चौड़ाई में कम है, तो इसका हम डबल पॉकेट बनाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और कपड़े को इस प्रकार यहाँ पर सेट कर देंगे। देखिए इस प्रकार, और यहाँ पर बीच में लगानी होगी हमें जीपर। तो देखिए, यहाँ पर बीच में हम जीपर लगा देंगे इस प्रकार। देखिए, तो अभी मैं आपको जीपर लगा के बताती हूँ। तो देखिए, इस कपड़े की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है, लगभग ये 10 इंच का कपड़ा है, और जिपर छोटी ली, मैंने 7 इंच की जिपर ली है। दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा कपड़ा यहाँ पर अटैच किया है, और अब जिपर को बीच में अटैच करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने इस जिपर को यहाँ पर अटैच कर दिया है, रनर भी डाल दिया है। और देखिए, अब जो भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर देंगे, और अब इसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे इसके चारों ओर। देखिए, तो आप चाहो तो पहले एक तरफ ही फोल्ड कर दीजिएगा, तीन तरफ आप जब इसको अटैच करें तब भी फोल्ड कर सकते हो। तो देखिए, मैंने अभी पहले से ही इसके चारों तरफ फोल्ड कर दिया है। अब देखिए, जो हमने अंदर की साइड में पॉकेट लगाई उस तरफ नहीं लगाना है, नहीं तो वो पॉकेट सिला जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने कोई पॉकेट नहीं लगाई, दूसरी तरफ यहाँ पर सेंटर पर एक निशान लगाएंगे। देखिए इसको लंबाई में, और फिर पॉकेट का भी एक सेंटर में निशान लगाएंगे। देखिए, और फिर पॉकेट को एकदम बीचों बीच में रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तीन और। देखिए, तो कहाँ लगानी है आपको सिलाई, देखिए अभी बताती हूँ। यहाँ पर नीचे और इस साइड में, ऊपर की तरफ हम खुला छोड़ेंगे। तो देखिए, ऊपर की तरफ हमने सिलाई नहीं लगाई, तो एक ये लंबाई में पॉकेट बन गया है, पर यहाँ पर हम डबल पॉकेट लगाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर जिपर के थोड़े से ऊपर यहाँ पर एक सिलाई और लगा देंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पर डबल पॉकेट हो जाएगा, एक जिपर वाला पॉकेट और एक बिना जिपर वाला पॉकेट। देखिए इस प्रकार, तो देखिए यहाँ पर हमारे ये डबल पॉकेट हो गए हैं। देखिए, अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर सेंटर पर निशान लगाएंगे इस प्रकार,
और निशान लगाने के बाद में देखिए जो हमने सेंटर पर निशान लगाए हैं उसके 4 इंच इधर की साइड में और 4 इंच इधर की साइड में एक निशान लगाएंगे। देखिए इस प्रकार, देखिए दोनों ही तरफ निशान लगा दिया है हमने, जो सेंटर का निशान था उससे 4 इंच इधर और 4 इंच इधर। ऐसा ही निशान हम दूसरी तरफ भी लगाएंगे। देखिए सेंटर से 4 इंच इधर और 4 इंच इधर। देखिए यहाँ पर भी हमने निशान लगा दिए हैं। अब हमें 2 स्ट्रिप रेडी करनी होगी, तो इन स्ट्रिप के अंदर भी मैंने फोम शीट डाली है, रबर शीट सॉरी, और इनकी लंबाई है 22 इंच। तो देखिए दोनों ही जो स्ट्रिप है बराबर है। अब जो हमने निशान लगाए थे सेंटर के दोनों तरफ, उन निशानों के ऊपर ये रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। देखिए इस प्रकार, तो यहाँ पर देखिए सिलाई हमने लगा दी है। अब हमें इसी के बराबर एक जीपर लेनी होगी। देखिए 15.5 इंच लंबी मैंने ये जीपर ली है, और जीपर का एक पार्ट इधर की तरफ अटैच करेंगे और दूसरा वाला पार्ट उधर की साइड में। देखिए तो दोनों ही तरफ मैंने ये जीपर का एक एक पार्ट अटैच कर दिया है, साथ में टॉप स्टिच भी लगा दिया है। रनर अभी नहीं डालना है, हमें और काम करना है। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी आ रही है, 28 इंच। देखिए 28 इंच आ रही है। तो देखिए इसको इस प्रकार डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ से निशान लगाएंगे। देखिए एक 10 इंच पर, देखिए यहाँ 10 इंच पर। फिर इसकी चौड़ाई मापेंगे, तो देखिए यहाँ पर चौड़ाई आ रही है 8 इंच। देखिए तो हमें 2 पीस की कटिंग करनी होगी, जिसकी चौड़ाई होगी 8 इंच और लंबाई होगी 10 इंच। देखिए 28 इंच आ रहा था, इसलिए हमने लंबाई 10 इंच ली है और चौड़ाई 8 इंच ली है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी गोलाई की शेप दी है। देखिए ऊपर से थोड़ा सा तीखा हो गया है, ज़्यादा गोलाई दी है, और नीचे थोड़ी थोड़ी सी कोने में कटिंग कर दी है। अब देखिए मेन फैब्रिक अस्तर के साथ में इस रबर शीट की क्विल्टिंग कर देंगे और इस प्रकार हम 2 पीस तैयार कर देंगे। तो देखिए दोनों ही पीस मेरे रेडी हैं, उनकी लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है 8 इंच। देखिए इस प्रकार। अब देखिए इन दोनों ही पीस को हमें यहाँ पर अटैच करना होगा, तो इसीलिए हमने जिपर में पहले रनर नहीं डाला है, रनर हम बाद में डालेंगे। तो देखिए इस पीस को यहाँ पर रखेंगे, जो सेंटर वाला पीस है उस प्रकार को मिलाते हुए इस प्रकार गोल गोल घुमाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। देखिए तो इस प्रकार सिलाई लगा देनी है, अभी मैं आपको सिलाई लगा कर बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर सिलाई मैंने लगा दी, थोड़ी सी सिलाई छोड़ दी है क्योंकि हमें रनर डालना है। तो इसी प्रकार दूसरी तरफ भी हम पहले अटैच कर देंगे और फिर इसके बाद में ही रनर डाल देंगे। तो देखिए दोनों ही तरफ दोनों ही पीस को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है, और अब इसमें रनर डाल देंगे और बाकी की सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने दोनों ही तरफ से रनर डाले हैं, इसमें डबल रनर डाले हैं, और जो भी इसकी इसका जो मुँह खुला था वहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है, और एकदम बराबर में बैठा है, कहीं पर भी कपड़ा कम या ज़्यादा नहीं आया है। और इस प्रकार देखिए है हमारा बहुत ही प्यारा एक बैग बनकर तैयार हो गया है। आप चाहो तो इसे ट्रेवलिंग में ले जा सकते हो, घर पर कुछ सामान लेकर भी रख सकते हो। बहुत ही प्यारी इसकी शेप आई है और बहुत ही प्यारी डिज़ाइन बनी है। बाहर डबल पॉकेट है, एक जिपर वाला, एक बिना जिपर वाला, एक पॉकेट अंदर की तरफ है जो मैंने बिना जिपर वाला बनाया है। आप चाहो तो अंदर की साइड में भी जिपर वाला पॉकेट बना सकते हो। और देखिए ऊपर इस प्रकार जिपर लग जाएगी, ये हमारा हैंडल हो गए हैं। और देखिए एकदम छोटे से शर्ट के में से बचे हुए कपड़े का इस्तेमाल कर दिया है और बहुत ही प्यारा बैग बन गया है। और इस बैग को बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर जवाब दूंगी कि आपको कि कैसे बनाना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।